अभी तक आमिर खान के ऊपर बहुत सारे बवाल चल रहे थे कि भाई हिंदू धर्म के ऊपर पीके में इन्होंने ये किया, फिर तुर्की में जाकर कुछ और कांड किया, जिस तुर्की के साथ इंडिया के रिश्ते खराब हैं वहां जाते हैं, फर्स्ट लेडी से मिलते हैं और बड़ा ही प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें इंडिया में डर लगता है, इस तरह की भी चीजें आई। इन सब चीजों के चलते तो लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया ही जा रहा है और आमिर खान भी निशाने पर बने हुए हैं। अब एक ऐसी खबर आ रही है कि इनकी जो फिल्म आई थी दंगल, चाइना में इसने 1400 करोड़ रुपए कमाए थे, इसी को लेकर ईडी जांच की जाने वाली है, इसकी सिफारिश की गई है। किसके तरफ से सिफारिश की गई है? लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एलआरओ नाम की एक संस्था है जिसने अपने ट्विटर पर यह घोषणा की है कि हम ईडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आमिर खान के ऊपर ईडी की जांच बैठाई जाए कि चाइना में किस तरह से 1400 करोड़ रुपए की कमाई की। आमिर खान की जितनी फिल्में आती है, सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में सिर्फ 70 करोड़ कमाती है लेकिन चाइना में 900 करोड़ कमाती है, जबकि बाहुबली यहां पर इंडिया में बंपर कमाई करती है, दुनिया भर में 1429 करोड़ की कमाई करती है लेकिन चाइना में सिर्फ 80 करोड़ रुपए की कमाई करती है बाहुबली। तो ये जरा सोचने वाला विषय है। इस एनजीओ का ये कहना है कि क्या ब्लैक मनी या हवाला का पैसा चाइना के जरिए इंडिया में भेजा जा रहा है, आमिर खान के ऊपर शक पैदा किया जा रहा है, सवालों के घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की जांच इनके ऊपर बैठाई जाए। भारत में चीन की ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो टैक्स चोरी को लेकर जिनके ऊपर सरकार ने शिकंजा कसा हुआ है, और अभी भारत सरकार ने यह भी कहा कि इंडिया में चाइनीज कंपनियां 12,000 रुपए से कम कीमत वाले मोबाइल को बेच नहीं सकेंगी। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसी में आमिर खान के ऊपर भी ईडी की जांच 10 दिन में शुरू हो सकती है ऐसा लग रहा है, और अगर होगा और अगर कुछ निकल कर आता है तो ये समझ लीजिए कि आमिर खान के बहुत ही बुरे दिन शुरू होने वाले हैं।